हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 13। हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? तो सबसे छोटा थ्री डिजिट नंबर हमारे पास है 100। ना 100 इज नॉट डिविजिबल बाय 7, तो वो कौन सा फर्स्ट थ्री डिजिट नंबर होगा जो 7 से डिवाइड होगा? तो हम इसे चेक करते हैं डिवाइड करके। 7 वन 7, 3 30। अब 7 के टेबल में 30 नहीं आ रहा, तो नेक्स्ट नंबर वो कौन सा होगा? हम देखेंगे कि 7 5 अगर हम 35 करते हैं तो वो नंबर पूरा डिवाइड हो जाएगा। इट मींस अगर हम 100 में प्लस 5 कर दें तो 105 इज डिविजिबल बाय 7। सो द फर्स्ट थ्री डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7 इज 105। तो हमारी एपी क्या बनेगी? फर्स्ट नंबर हो जाएगा 105 विच इज डिविजिबल बाय 7। सो सेकेंड नंबर जो 7 के टेबल में होगा, वी गो ऑन एडिंग 7 टू दिस नंबर। सो 105 प्लस 7 112, देन 119 एंड सो ऑन। नाउ द लास्ट थ्री डिजिट नंबर दैट इज 999 है। अब हम इसे 7 से डिवाइड करके देखते हैं, तो 7 वन 7, 29, 7 फोर 28, 19, 7 5 7 2 14, तो हमारे पास बच गया 5। तो 999 में से 5 को हम माइनस कर देंगे तो जो नंबर आएगा दैट इज 994। सो दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 7। सो दिस इज द लास्ट थ्री डिजिट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 7। तो हमारे पास एक एपी आ गई ऑफ दीज नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 7। अब हमें पूछा है कि हाउ मेनी नंबर्स आर दीज, ये कितने नंबर्स हैं? So the last term is known to us. It means ANth term of this AP is 994, and we know that ANth term means A plus N minus 1 into D is 994. Where what is A? The first term of the given AP, 105 plus N minus 1 into D. क्योंकि 7 के multiples हैं, 7 का table चल रहा है, so common difference is 7. 112 minus 105. So it is equal to 994. So n minus 1 into 7 is 994 minus 105. So minus kar dete hain. So it is n minus 1 into 7 is equals to 14 minus 5 is 9. This is 8. 9 minus 1 is 8. So n minus 1 is 889 upon 7. कैंसिल हो जाएगा 7 के टेबल में। 7 वन 7 2 14 एंड 7 7 49। सो व्हाट वी गेट, एन माइनस वन इज 127 एंड देयरफॉर एन इज इक्वल टू 127 प्लस 1 दैट इज 128। इट मींस 128 थ्री डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। थैंक यू।